असलम असलम भाई, अल्लाह का करम। सब में पहले तो मैं आपके एपी न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत छोट टाइम में हमने आपको बुलाया, आप आए, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है कि UC 25 वार्ड 1 अकबरी मस्जिद और जुम्मा बाजार ग्राउंड के पास ये रोड कारपेटिंग का काम जारी है। और इससे पहले जो है MPM पाकिस्तान के MNA अबू बकर भाई, MPA गुलाम जलानी भाई, जावेद हनीफ भाई, MPA इखलाक भाई हमारे जो टाउन इंचार्ज हैं, और राशिद गोरी भाई, और उनके साथ साथ हमारे काउंसलर उम्मीदवार थे, मगर ये वाकई इन्होंने अपना हक अदा किया। रोशन भाई हैं हमारे साथ, जैसे वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार थे अमीन भाई, काउंसलर फैयाज भाई यहाँ खड़े में, अवेश भाई, और हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद थी अभी, और सबने कोशिशें करी तो आज कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह रंग ले आई हैं। यहाँ पानी का काम भी हो चुका है, घर में पानी हर घर में मौजूद है, सेवरेज का काम भी कराया। फिर गैस का बड़ा मसला था इशू, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने MPA MNA का, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गैस का भी काम हुआ और आज यहाँ रोड का काम भी हो रहा है। मैं फिर वही बात बोलूँगा, अपनों के काम अपने आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, क्योंकि अवाम और MPM पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है जो हमेशा इंशाअल्लाह रहेगा, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैं इसमें MPM पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इंशाअल्लाह जैसे, और हम थोड़ी सी अवाम की भी राय जानने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह MPM पाकिस्तान की जानिब से, और रोड जो है निखर गया, आप लोगों का क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि मतलब ये कि ऐसा रोड यहाँ पर आज तक करेंगे कि इस एरिया की लाइफ में नहीं पड़ा। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब नहीं, इतनी बेहतरीन यानी मशीनी कारपेट यहाँ कभी नहीं, मशीनी कारपेट कभी नहीं हुई। तो इतनी सारी जमातें आईं, सब ने अपने अपने झंडे गाड़ दिए कि हमने ये कर दिया हमने, तो आप कह रहे हैं किसी ने कुछ नहीं करा? नहीं, ऐसी कारपेटिंग किसी ने नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सराहते मतलब MPM पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, बिल्कुल थैंक यू सर। और आपके तवज्जो से ये बात बता दूँ कि अभी मेरी MNA साहब से बात हुई है, अबू बकर साहब से, उन्होंने मैंने कहा था कि यहाँ अभी तक पिंक या कोई ग्रीन बस नहीं आई, जबकि यहाँ काफ़ी आबादी है जो करेंगे 56 51 से आती है। तो उन्होंने बताया कि बात हो रही है इस सिलसिले में, और उन्होंने गवर्नर साहब से भी बात की है और CM से भी बात हुई है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये खुशखबरी मिलेगी कि यहाँ भी वो गाड़ियाँ चलेंगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप करवाती हुई नज़र आती है, चलें। एक साहब और भी हमारे साथ मौजूद है, और माशाल्लाह सजे हुए हैं इस टाइम हारों से,